देखिए, हमें कोई भी इवेंट हो या एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम जाते हैं तो उसकी टाइम कैलकुलेट जो हम करते हैं उसको कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्टॉप वॉच, जो हमारे आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड को जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली स्टॉप वॉच की डेफिनेशन पे आते हैं। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन है, अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। यानी कोई इवेंट है, कोई मूवमेंट है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उस सारी चीजों को कि वो कितने टाइम में काम किया गया है या कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया गया है, उसको मेजर करना जो होता है वो टाइम इंटरवल को, उसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इसकी टू टाइप्स है स्टॉप वॉच की, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल और एक को हम कहते हैं डिजिटल। अब हम इन दोनों मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉचेस जो है इन दोनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती हैं और ये कैसे एक दूसरे से बेहतर हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ये एक राउंड फॉर्म में इस तरह की शेप होती है, जिसको लेबोरेटरी में हम यूज भी करते हैं। इसको राउंड फॉर्म के सर्कल में ऊपर एक नॉब होती है, बेसिकली इसका ये एक ही नॉब, इसको बटन भी हम बोल सकते हैं, एक ही नॉब होती है और ये तीन किस्म के फंक्शन जो है उसको जो है ना वो वर्क करती है। स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन। होता क्या है कि जब हमने किसी इवेंट को कैलकुलेट करने है उसकी टाइमिंग को, तो हमने उसकी टाइमिंग को कैलकुलेट करने से पहले इस बटन को जो है ना वो प्रेस करते हैं और इसको जीरो के ऊपर जो है ना वो सेट करते हैं। जैसे ही हम जीरो पे उसको सेट करते हैं और उसको अगेन जब प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमने उसको टाइम जो जितना भी हमने उसको इवेंट को या किसी काम के ड्यूरेशन को जो है ना वो मैयर करना है और जब हमने उस काम को स्टॉप करना है, तो हम यहाँ से इसी नॉब को जो है ना वो ओनली वन टाइम प्रेस करेंगे तो वो रीसेट बटन जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा और अगेन करेंगे तो वो रीसेट बटन हो जाएगा। और इस सारे बटन को, क्योंकि बटन इसका एक ही है और इस तीन किस्म के डिफरेंट किस्म के ये फंक्शन जो है ना ये उसको जो है ना वो ऑपरेट कर रहा होता है, तो इसको प्रेस करते वक्त एहतियात करनी होती है कि ओनली जो है ना वन टाइम इसको प्रेस किया जाए, क्योंकि अगर हम इसको जो है ना वो तेजी में टू टाइम अगर प्रेस हो गया तो वो उससे नेक्स्ट जो फंक्शन है वो उसका जो है ना वो डिस्कस हो जाता है, वो ऑपरेट हो जाएगा। यानी अगर स्टार्ट के बाद हमने उसको फौरन प्रेस करना शुरू कर देंगे तो वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। या अगर उसको जो है स्टॉप करना हो तो हम उसको जल्दी में जो है ना वो प्रेस कर दें तो वो रीसेट बटन जो है ना वो हो जाएगा। तो इसको जो है ना वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में सारा काम जो होता है वो मैनुअल तरीके से होता है और इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 0.1 सेकंड, यानी ये किसी भी सेकंड का 1/10 पोर्शन जो है ना उसको हमें मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच की इस तरीके से हमारे पास शेप होती है। ये रेस्ट वॉचेस में भी इस्तेमाल होता है। वैसे भी आप देखें इस तरह इसके ऊपर डिजिट्स नजर आते हैं, फर्स्ट डिजिट आवर्स को, सेकंड मिनट को, और एक कॉर्नर में जो लिखे होते हैं उसको सेकंड में कन्वर्ट जो है ना वो हमें शो करता है। अब इसके अंदर जो हम इवेंट्स को या किसी ड्यूरेशन को जो मेजर करते हैं उसके लिए हमारे पास टू बटन्स जो होते हैं ना इसके ऊपर जो है ना वो होते हैं। एक बटन जो है वो स्टार्ट और स्टॉप का फंक्शन ऑपरेट करता है, सेकंड बटन रीसेट बटन को शो करता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई इवेंट जो है ना वो उसको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट हमें उसको रीसेट पे जो है ना वो सेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद जब हमने उसको जितना इवेंट कवर कर लिया है फिर हम स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे। और ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, इसमें हमें मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं होती जैसा कि हमने मैकेनिकल में किया है। इसमें हमें सारा खुद देखना पड़ता है कि कितने मिनट्स, आवर्स या सेकंड कवर हो चुके हैं, जबकि इसमें जो है वो सारे का सारा हमें जो है ना वो स्क्रीन सारे डिजिट्स को शो कर देती है और हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स स्टॉप वॉच। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।